साल 2018 में जॉनी ब्राह्मण की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहले हमने देखी परमाणु दी स्टोरी ऑफ पोखरान। इसके बाद अभी हाल ही में 15 अगस्त के मौके पर उनकी फिल्म सत्यमेव जयते रिलीज। दोनों फिल्मों को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। साथ ही इस फिल्म में हमें जॉनी ब्राह्मण का काफी बेहतरीन एक्शन देखने को मिला। ये दोनों ही फिल्में देशभक्ति पर आधारित थी, जिसे बनाने के बाद जॉनी ब्राह्मण इन फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जॉनी ब्राह्मण ने अब सत्यमेव जयते 2 में काम करने को सोच रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म के सीक्वल बनने की अभी कोई ठोस सबूत नहीं आया है, लेकिन जॉनी ब्राह्मण इस फिल्म के सीक्वल में काम करने की अपनी इच्छा जता चुके हैं और फिल्म के मेकर मिलाप मिलन जवेरी से और जॉनी ब्राह्मण के बीच बात भी हो चुकी है। फिलहाल जॉनी ब्राह्मण की फिल्म रॉ और बाटला हाउस कतार में है। इसके बाद वो शायद सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वेल दोस्तों, देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह सत्यमेव जयते में जॉनी ब्राह्मण की धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, और अगर अब सत्यमेव जयते का सीक्वल बनेगा तो उसमें हमें और भी धमाकेदार एक्शन हमें जॉनी ब्राह्मण के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और जॉनी ब्राह्मण की फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल क्या आप देखना चाहते हैं या नहीं, हमें जरूर अपनी राय दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।